चांद नज़र आ गया है और बस अब 9 दिन बाद ईद है और इसलिए ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें आपके घर में होनी चाहिए, चेक कर लें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लव टू कुक यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो वेलकम, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। और आज हम चेक करेंगे लिस्ट क्योंकि ईद का चांद आ गया है नज़र। अच्छा, सबसे पहले तो घर में कुर्बानी अगर आप करते हैं तो जो छुरियाँ चाकू जितने औजार हैं ना, जो आपने पिछली ईद पे बाद में समेट के रख दिए होंगे, उनको निकालें, साफ़ करें और उनको तेज़ करवा लें, ठीक है? क्योंकि तेज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है छुरी का, और ताकि जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और गोश्त भी आप आसानी से बना सकें। उसके बाद क्योंकि गोश्त बांटना भी होगा, तो जो शॉपिंग बैग्स और जिस साइज़ के चाहिए ना, वो भी आप लाके रख लें आज ही सब कुछ आज ही कर लेना आपने। इसके अलावा फ्रिज में जो पुराने सालन रखे हुए हैं या जो भी कुछ आपने फ्रीज़र में रखा हुआ है पिछले साल का, अल्लाह माफ़ करे, मतलब जो कुछ भी ऑलरेडी स्टॉक है उसको ख़त्म कर दें, उसको चेक करें। अगर तो वो इस्तेमाल करने वाला है तो कर लें, नहीं तो उसको वेस्ट कर दें, ठीक है? ताकि आपका फ्रिज खाली हो जाए उस दिन एमरजेंसी में, जो आप निकाल निकाल के चीज़ें फेंकेंगे, तो अभी आप तसल्ली से देख लें। अच्छा, जो पीछे वीडियो चल रही है वो तवा कलेजी की है, जो ऑलरेडी मैंने अभी थोड़े दिन हुए हैं रेसिपी अपलोड की है। वैसे तो रेसिपी इसमें भी नज़र आ रही है वॉइस ओवर के साथ, अगर आपने देखनी है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, या ऊपर मैं कार्ड में भी दे दूंगी उसका लिंक। अब हम आ जाएं किचन की तरफ, क्योंकि किचन में तो चीज़ें बननी ही बननी हैं, और पैकेट के मसाले ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं कि हम नहीं लाएँगे, ठीक है? क्योंकि हम इतने केमिकल्स नहीं खिलाएँगे अपने बच्चों को। तो उसके लिए आपने ज़रूरी ज़रूरी जो मसाले, अच्छा, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, ठीक है, और दही, मतलब ये चीज़ें तो होनी चाहिए आपके फ्रिज में। दही खैर अभी से ना ला के रखें, लेकिन एक दिन पहले दही अगर घर में जमाना है तो उसका भी अरेंज कर लें, दूध वगैरह का। अगर आप दही बाज़ार से लाना है तो मंगा के रख लें, क्योंकि फिर ईद वाले दिन जब भागना पड़ता है या किसी को भगाना पड़ता है कि जी दही लेकर आओ, तो बहुत ज़रा मुश्किल काम हो जाता है, मिलता भी नहीं कभी। टमाटर और प्याज, अदरक, लहसुन, ये हो गया, ठीक है? उसके बाद गरम मसाले, नॉर्मल आपने जाके पैकेट नहीं ले लेना कि गरम मसाला दे दो, नहीं, आपने अलग अलग मसाले लाने हैं ताकि सारी चीज़ें आपके पास आ जाएं, जो पैकेट है उसमें सारी चीज़ें नहीं होती। तो अगर उस दिन आप कोई रेसिपी फॉलो भी कर रहे हैं या इंटरनेट से देख के भी फटाफट बना रहे हैं, तो कम अज़ कम मसाले तो चलो घर में हों ना, ठीक है? तो उसमें मसाले, ज़ीरा, सूखा धनिया तो सबको ही पता है और वो मिल जाएगा आपको, ज़ीरा, सूखा धनिया, फिर भी मैं नाम ले रही हूँ, ठीक है, सुनने ध्यान से, ज़ीरा, सूखा धनिया, काली मिर्चें, हरी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, बादियान का फूल, लौंग, जायफल, जावित्री, ठीक है? ये मेन मेन मसाले हैं जो कि आपके घर में होने चाहिए और अलग अलग लाने हैं ये इनको। और जायफल और जावित्री, मतलब खैर अब तो पैकेट छोटे छोटे बनाए हुए हैं उन्होंने, शॉपिंग मॉल्स में मिल जाते हैं आराम से, वरना अपन सारी से भी मिल जाएंगे। और क्योंकि ये जायफल, जावित्री, ये ज़रा महंगी होती हैं, तो जो आम गरम मसाले का पैकेट हमें मिलता है ना, उसमें तो ये कोई चक्कर ही नहीं, इनका नहीं होती है। तो इसलिए आपने अलग अलग ये मसाले ला के घर पर रख लेने हैं, और अगर पहले से पीस के नहीं रखने, जो ऑलरेडी हमने मसाला, सारे मसालों की वीडियो बनाई हुई है, बिरयानी मसाला, कौर मसाला, मतलब आप पीस के भी रख सकते हैं, वरना आप एज़ इट इज़ भी रख लें और उस दिन भी मतलब पीस सकते हैं आप। ग्राइंडर में डाला जितना मसाला चाहिए, जो बना रहे हैं तो पीसा तो डाल दिया, घर में होगा तो ईजी रहेगा। इसके अलावा कचरी पाउडर, आमचूर पाउडर, ठीक है, ये भी ला के रख लेना आपने, कच्चा पपीता अगर मिल जाए तो। और एक और चीज़ अभी मेरे जहन में आ रही थी एंड आई जस्ट स्किप्ड इट, हाँ जी याद आ गया मुझे, लीमू, ठीक है, लीमू ला के रख लें। और बाकी सलाद के तौर पे खीरा या इस तरह की कोई एक आधी चीज़ अगर इंटरेस्टेड हैं, वरना तो खैर हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है सलाद खाने का, सीधी सी जो बात है। और इमली आपने ला के रखनी है, आलू बुखारा ला के रखना है, आलू बुखारा बिरयानी में भी डलता है, और इसके अलावा आलू बुखारे का ड्रिंक भी हम, शरबत भी बनाने वाले हैं इस ईद पर ना, बोतलें भी नहीं पीनी अभी इंशाल्लाह, वो वीडियो भी मैं अपलोड कर रही हूँ जिसमें हम ड्रिंक बनाएँगे, तो इसलिए इमली ला के रख लें। अजवाइन, अजवाइन, ये सारे मसाले लिख लें जब, ताकि एक ही बार में जब आप जाएँ तो ले आएँ। लीमू घर ला के रख लेने हैं। और इसके अलावा जिन रेसिपीज़ में आप सिरका डालते हैं, तो सफ़ेद सिरका नहीं डालना, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा आपकी सेहत को ख़राब करता है और वो खाने के लिए नहीं होता, वो वॉशरूम वगैरह को साफ़ करने के लिए होता है।
इसलिए लाल सिरका ला के रखना है, या कोई भी फ्रूट विनेगर, फलों का सिरका, जैसे एप्पल साइडर विनेगर या कोई भी फ्रूट विनेगर, ठीक है, वो होना चाहिए आपके पास, ताकि जिस डिश में आप सिरका डालते हैं ना उसमें आप वो डाल सकें। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी रेडी हैं तो बस ईद वाले दिन कोई टेंशन परेशानी नहीं है, जो चाहें बनाएं, जैसे चाहें बनाएं और जैसे चाहें खाएं। और इसके अलावा ज़िप लॉक बैग्स भी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, देखें कि गोश्त कैसे फ्रीज़ करते हैं, तो वो ज़िप लॉक बैग्स अगर आप यूज़ करने वाले हैं तो वो भी आप अभी मंगा के रख लें। चलें जी, लिस्ट बन गई, एक बार तो अभी देखें वीडियो और ईद से एक दो दिन पहले देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह इट विल वर्क फाइन फॉर यू। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव रेसिपीज़ देखने के लिए, रेसिपीज़ और टिप्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।